कांग्रेस सरकार ने, उड़ा सरकार थी जब, उस टाइम कांग्रेस सरकार ने ये घोषणा भी की थी जिस घर में चूल्हा जलेगा वो घर नहीं टूटेगा, वो बचेगा। और आज हमारे को सबको नोटिस दिए जा रहे हैं। किसने दिया नोटिस, कौन सरकार? अब तो ये सरकार भाजपा खड़ी है सारी रंडे पांड्या की। हमारे मकान उजाड़ेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम खड़े हैं वार्ड नंबर 17 में और घरों से लोग बाहर आ चुके हैं, महिलाएं भी बाहर आ चुकी है, बच्चे सभी घरों से बाहर आ चुके हैं। रात का समय है और रात के समय में लोगों का घरों से आना कोई छोटी बात नहीं। आखिर मामला क्या वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इनके हाथ में एक नोटिस है, पर्चा है, नोटिस। वो नोटिस कोई आम नोटिस नहीं है, इनको तबाह करने वाला नोटिस है, इनको उजाड़ने वाला नोटिस है। वो उनको हाथों में थमाया गया है और जिसको लेकर लोग घरों से बाहर आ चुके हैं और इनको भी नहीं पता किस समय इनके घरों पर बुलडोजर चल जाए। आखिर पूरा मामला क्या वो जानने का प्रयास करेंगे। तो बात है, क्या नाम है भाई साहब आपका? राहुल नाम है जी। तो मामला क्या है, रात के अंधेरे में लोगों को घरों से बाहर आना पड़ा और प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी पड़ी, क्या मामला? ये नोटिस किस चीज की है? ये नोटिस किस चीज के है? ये जो उद्धा द्वारा नोटिस दिए गए हमारे मकान वगैरह को खाली करने के लिए, हमारे पास रजिस्ट्री है, इंतकाल है, बाकायदा गवर्नमेंट ने जो रजिस्ट्री इंतकाल कर रखे उसके बेस पे ही बैठे हम। हमारे पास पहले कोई नोटिस नहीं थी आया था, पहले हमको पता भी नहीं था कैसे उड्डा डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है। पहले नोटिस जाते थे जिनके नाम पहले जमीन थी, बाद में नोटिस आने जब चालू हुई है, जब उन्होंने मौके पे देखा भी मकान बने हुए हैं, सारा सिस्टम है, हमारी है। आपने सरकारी जमीन में कब्जा कर रखा है? कब्जा नहीं सर, रजिस्ट्री है, इंतकाल हमारे पास सरकारी, सरकार द्वारा। कितने साल से हो? करीबन 20-25 सालों से बैठे हैं, कई जने तो 35-30 साल से, घने ज्यादा टाइम से बैठे ही। हम 20-25 सालों से बैठे हैं जी, और पटवारी ने हमारे साथ धोखा किया, हमारे मकान कहीं भी नहीं दिखा रखे, हमारे जहाँ मकान है वो सब खंडर दिखाई दे रहे हैं, जो भी नक्शा उसने बना रखा है उसमें सब खंडर दिखाई दे रखा है। और अब रईसों के प्लाट हैं, जो हमारे मकान टूट रहे हैं उन मकानों में रईसों के प्लाट काट दिए गए हैं, और जो हमारे साथ में अब भी खाली पड़े हैं प्लाट, वो प्लाट अब भी उनकी रजिस्ट्री हो रही है और अब भी वो बिक रहे हैं एक दूसरे को, वो अब भी दे रहे हैं। आपको मुआवजा तो मिलता होगा? मुआवजा को कोई मुआवजा नहीं दे रहे, जो पहले जिन लोगों ने खेत वगैरह जिनके लिए थे उन लोगों के करोड़ों रुपए दे दिए, और हमारे गरीबों के जो मकान है उन मकानों के वो सब 10,000 रुपए हमारा मुआवजा बना के रख रखा उन्होंने। और हर बार हमें एक भी आपता ऐसा नहीं जाता जिसमें हमने वो टॉर्चर नहीं करते हो, आगे हमारे को ऐसे ही बोलते हैं 2 दिन का नोटिस है, ये 2 दिन में मकान खाली कर देना, जैसी भी आएगी प्रशासन उठ के आएगा, सब लेडीजों को भी अंदर करेगा और जेंट्सों को भी अंदर करेगा, तो ये मकान सब खाली करो। आज हमारे को ये नोटिस दे के गए हैं, इस नोटिस में उन्होंने ये कहा है कि रात रात का समय तुम्हारे पास, कल सुबह 10 बजे अपने मकान और बच्चे बाहर निकल लियो, जेसीपी आएगी प्रशासन आएगा उठ के। तो हमारी उम्मीद सरकार से, हरियाणा सरकार से यही उम्मीद है, यही प्रार्थना है, हम विनती करते हैं सब भाई बहने कि हमारे मकान जहाँ हमारी झोपड़ी है ये हमारी झोपड़ी यहीं रहनी चाहिए, अगर इनके कहीं रास्ते में या कहीं दखल अंदाजी दे रहे हैं हमारे मकान, तो हमारे को इसी मकान के बदले हमारे को कहीं मकान बना के और वहीं बिठा जाए। देखिए महिला साफ तौर पर कह रही है हमें उजाड़ा ना जाए, अगर हमें यहाँ से उजाड़ा जा रहता है तो हमें इसके बदले प्लाट दिया जाए, रहने का आशाना दिया जाए, अगर जाए तो जाएंगे कहाँ अगर इनका मकान उजड़ता है तो, क्योंकि 10,000 रुपये बताया जाए, 10,000 रुपये इनका मुआवजा दिया जाए, 10,000 रुपये। हाँ जी, 10,000 का आज भी पटवारी हमें बोल के गया है कि 10,000 तुम्हारा मुआवजा बना पड़ा है, वो कहीं कभी भी जाके तुम उठा सकते हो उसको। कितने रुपये गज के हिसाब से दे रहे हैं? ये 250 रुपये गज के हिसाब में जी। 250 रुपये भाई से कमाल की बात है, सीमेंट का कट्टा कौन आवे? 253 रुपये आंटी, आधे गज के दे। जिसका प्लाट 300 गज का है उसको वो 150 में यूज कर रहे हैं और 150 वो अपना आप खपत कर रहे हैं। 100 गज में यूज कर रहे हैं जी, 98 गज में, मेरा 300 गज का प्लाट है, 98 गज में यूज कर रहे हैं। 98 गज का मुआवजा मिलेगा जी, ये हमारा 100 गज का प्लाट है, हमारे 52 गज के पैसे बना रखे उन्होंने गवर्नमेंट, जा इतने पीछे हम गवर्नमेंट दे दियो नहीं, अभी ले लो जो हमारे पीछे मोजे में कह रहे हुए हैं
भाई इतने में आजा गवर्नमेंट भी देन दियो नहीं 12-13 हजार में हम ले लेंगे गवर्नमेंट कितनी देवा हमने जमीन 12 हजार भी किस तरह दे रही है 150 में कोठी डाल रखी है उन्हें 150 गज में कोठी डाल रखी है वो कह रहे हैं जो आपका जो जमीन है मुख्तार खाते के अंदर है मतलब आपने इसका ततिमा नहीं कटवा रखा जिस तरह आपका जो मकान है उसका 250 रुपये गज के हिसाब से सरकार देगी हाँ जी तो 250 रुपये में तो सीमेंट कटा जाता है महाराज मैं मुड्डा ऑफिस में गया था जी मेरा मुआवजा बना रखा था 12,210 रुपये कितना है मकान आपका 50 गज के बना रखे जी 50 गज बोला तुम्हारी जमीन कॉलोनी में पड़ी है हमारी कोई कॉलोनी में जमीन है नहीं हमारा 100 गज का मकान है जी दिखा दूंगा आपको रजिस्ट्री इंतकाल दिखा दूंगा जी 50 गज के नूला 50 गज की तुम्हारी जमीन 50 गज कितना मुआवजा बना रखे 12,210 रुपये 50 गज का मकान के 12,000 कुछ रुपये इनका मुआवजा बना रखे 50 गज के जो मकान दिखा रखा है उन 12,000 रुपये में तो कुछ होने जाने वाला नहीं है कुछ नहीं होगा नहीं जी क्या होगा 12,000 रुपये में क्या आएगा जी हम कहाँ प्लाट लेंगे हमारी सरकार से यही उम्मीद है हमारा सोल्यूशन निकाला जाए हमको आशियाना दिया जाए हाँ जी आपको क्या कहना है आप तो नहीं है मकान उसमें देखिए जी मतलब इनकी अखबार है 6-7 में अपना अखबार है 5 में अपना जी मेरा भी आ रहा है जी मकान 200 गज का है जी और सारा ही आ रहा है ये सामने मकान है जी मेरा और कह रहे हैं खाली कर देना मकान कल हम आएंगे सुबह इनकी खौफ इनके लोगों के बीच में फैल चुका है रात के समय में भर आ चुके गए वो बोल रहे मकान खाली करो मकान बनाया होगा कैसे खाली करते हम तो हम कहाँ जाएंगे नहीं, आपने विधायक से मिले हो हम विधायक के पास गए थे उन्होंने हुड्डा ऑफिस में भेज दिए हुड्डा ऑफिस में गए थे वो आगे से आके निकाल देते हैं तो आपका नोटिस भी आ रहा है हाँ जितना जो 50 गज का तो नोटिस आ गया आपका भी हाँ जी तो घर से बाहर निकलने के हाँ जी ये क्या करोगे आप ये क्या करेंगे जी मामे निकालने के जाओगे आशियाना देंगे जी पढ़ाएंगे सर हम तो जेबीसी के आगे पढ़ाएंगे जमरेंगे जमारेंगे और क्या होगा यही होगा सर हाँ जी ये तो एक एक मजदूर करके मजदूरी करा जीप के जावांगे हाँ जी हमारा भी 300 गज का प्लाट है जी बहुत दुखी कर रखे गवर्नमेंट नाम के सामना कर लिए सारे काम कर लिए गवर्नमेंट में हमने कोई राह नहीं दे रही ना उड़ाले दे रहे आते हैं तंग करते हैं हाँ जी सर तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये उड़ा सेक्टर बना भी नहीं था तब तक के ये बाशिंदे हैं तब से यहाँ पे रह रहे हैं ये अगर उस टाइम पे जिस टाइम पे नक्शा पास किया था उड़ा सेक्टर वहाँ तब कहाँ पे था वो कहाँ पे था नक्शा पास है बिल्कुल नक्शा पास है जी इंतकाल भी है रजिस्ट्री भी है अब ये बताओ जिस टाइम पे उड्डा सेक्टर बना भी नहीं था जब यहाँ पे झाड़ियाँ थी तब से रह रही हैं ये और जब उड्डा सेक्टर का नक्शा पास किया था तब नहीं क्यों नहीं दिखा इनको नक्शा पास किसने किया था हुड्डा सेक्टर ने किया था जहाँ से ये सेक्टर 13 से हिसार से आए ये नोटिस कॉपी पड़ी आपके पास बिल्कुल रजिस्ट्री भी पड़ी हमारे पास इंतकाल भी पड़ा है अब ऐसे बताओ अब पटवारी को ये टाइम कैसे लग गया अब पटवारी को 20 साल बाद याद आया 50,000 रुपए सर हमने उड्डा के अंदर 50,000 रुपए भी भरे थे एक एक साल और हमारा ब्याज लग गया उसका और हमको उसके बदले में कुछ प्लाट नहीं मिला जी हमसे उम्मीद करी गई थी तुम उड्डा के अंदर मान तो किसी ने कहा भाई आप उड्डा के अंदर 50,000 रुपए नोटिस दिए गए जैसे भी आएगी तो उसको प्लान करेगी इनकी तोड़ेगी हम तो सरकार से उम्मीद है जी सरकार हमारे लिए कोई सुनवाई करे जी कहाँ जाएगा एक एक मजदूर खड़ के यहाँ से बिहार से उतने बाढ़ चले हैं बच्चे बूची सारे दह जावे है छोटे छोटे बालक है एक एक मजदूर खड़ के यहाँ 20 साल से बैठा हूँ खाली कर ला लेडीज पुलिस आएगा तो झोटिया पार के गाड़ी में बैठा लेगा मैं क्या करूंगी सारे छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये मकान मालिक कहाँ जाएंगे देखिए ठंड का मौसम है अगर इनके मकानों पर जैसी भी चलती है तो छोटे छोटे बच्चे आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ अब ये देखने वाली बात है कि इनके पास और भी चारा नहीं है ना रहने के लिए कोई और मकान है सिर्फ ये मकान बचे हैं अगर यही टूट गए तो ये बच्चे जाएंगे कहाँ हाँ जी 24 घंटे का धमकी दे के गया वो अच्छा। कह रहा था कि 24 घंटे में घर खाली कर दो नहीं तो लेडीज पुलिस लेके आएंगे झोटिया पार के सारे को गाड़ी में बैठा लेंगे लेडीज पुलिस लेके आएंगे झोटिया पार के गाड़ी में बैठा लेंगे
वो आया था सर जो धमकी देने आया था, 24 घंटे का टाइम दिया है सर, 24 घंटे का टाइम दिया है, बोले 24 घंटे में घर खाली कर दो जी। देखिए इनको इनको साफ तौर पे कह गए हैं मकान खाली कर दो, जैसे भी लेके आएंगे प्रशासन आएगा और इनके बुलडोजर चलाया जाएगा। ये बात इस समय लोगों में काफी रोष है, लोग घरों से बाहर आ चुके हैं। इस समय की तस्वीर है बड़ी, ये अपडेट आ रही है कि रात का समय है, लोग घरों से बाहर आ गए। इनके साफ तौर पर कहना है अगर हमें उजाड़ा गया या हमें बाहर किया गया तो हम जाएंगे जाएंगे कहाँ। और इन्होंने साफ तौर पर प्रशासन से मांग की है, सरकार से मांग किया है, जितने गज में हम रह रहे हैं उतने ही गज का कहीं दूर दराज कहीं भी हमें प्लाट दिया जाए ताकि वो अपना रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी डाल सके। और इस समय ये बच्चे और परिवारजन सभी परेशान हो चुके हैं कि इनको कहा गया साफ तौर पर कि मकानों को खाली कर दें, नहीं तो कल या परसों बुलडोजर चला जाएगा। नोटिस इनको थमा दिए गए हैं और इस समय इनके घरों में रोटी रोटी बनी है नहीं बनी है तो चढ़े कई दिन हो गए। जो हनी उड़ा सेक्टर वाले हैं ना जी, ये कोठी वाले हैं, वे हमारी एप्लीकेशन लगाते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, आपका प्लाट वहीं लेके मरा है, बराबर में कह दिया ये बच रहा है, है हमारी हर रोज एप्लीकेशन लगाते हैं, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, कहाँ जाएं हम, हमारे 25 साल पुराने मकान है, कहाँ जाएं हम। और जो से प्रधान बना रखे हुए एप्लीकेशन लगाते हैं कि ये आपका प्लाट तो बचा लिया बराबर में और हमारे प्लाट का रखे, ये आ गए हुड्डा में, आ गए हमारी रोज, ये प्रधान हुड्डा सेक्टर का प्रधान है नी, वो हमारी एप्लीकेशन लगाता है, रोज एप्लीकेशन लगाता है, यहाँ से निकलो, गंदगी हटाओ, क्या गंदगी है, वे आप गंदगी नहीं है हमारी, हमारी झोपड़ी मार मामना तो कोठी लगती है। टोटल कितने मकान है यहाँ? तो ये 25-30 मकान है जी, 25-30 मकान है जी। रोटी नहीं तो आठ हो गए पहले हो रहा है जी, क्या रोटी मेरे तो मर जाएगा, हार्ट का बीमारी है। इन्हें तो आपकी कोठी प्यारी लग गए हमारा, रोज सेक्टर वाले हमारे जो से प्रधान बनाते हैं नी, वे एप्लीकेशन लगाते हैं कि कोठी खाली करो, कोठी आपका बराबर में प्लाट ले रखा है सेक्टर ने, वहाँ बच गया इसका, और हमारे मकान आएगा जी गरीबा के, सात वाला कोठी बच गई उसकी, उसने कल प्लाट लिया हुआ तो बच गया। सरकार ने बिल्कुल गलत किया है, बिल्कुल रोड है ना जोन सा, रोड बिल्कुल अलग तरफ निकलना था, रोड बिल्कुल सेक्टर में लिया, यानी कि बीच में है मकान आए जाए, रोड प्रशासन ने गलत किया, बिल्कुल भी रोड है ना, बिल्कुल गलत किया रोड, बिल्कुल गलत काट रखा रोड, रोड का आप ज्वाइंट देख सकते हो, रोड कितना गलत निकाला इन्होंने। और ये मेन रोड पर जो फटका फैक्ट्रिया के जो मेन रोड पर गेट थे उनके सेक्टर की तरफ रोड करवा दिए, सब ये पटवारी था सीताराम पटवारी, उसने सब ये जालसाजी के लिए पैसे मारे हमें तो बच गए। इस समय वार्ड नंबर 17 में हम खड़े हैं और लोगों ने साफ तौर पर कहा है। हाँ जी। और सर जो हमारे जमा जो हमारे साथ जितने भी मकान है कॉलोनी से जुड़े हुए बाद में लिए गए जी, उस टाइम हमारे लिए रिलीज हो गया था, हम उड्डा के पास गए थे, भाई हमारे पैसे दो मुआवजे के, अगर हमारा आ रहा तो मेरे मम्मी जी गए थे तो उस टाइम बोले आपका प्लाट उड्डा में आ नहीं रहा तो आप पैसे लेने क्यों आए हो, तो उसके बाद में जिस घर में चूल्हा बढ़ता है वो घर नहीं लिया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस सरकार की बात है जी, तो सरकार खट्टर साहब की है नहीं, कांग्रेस सरकार की बात है जी, कांग्रेस सरकार ने हुड्डा सरकार थी जब उस टाइम कांग्रेस सरकार ने ये घोषणा भी की थी जिस घर में चूल्हा जलेगा वो घर नहीं टूटेगा वो बचेगा, और आज हमारे को सबको नोटिस दिए जा रहे हैं। किसने दिया नोटिस, कौन सरकार? अब तो ये सरकार भाजपा भाजपा खड़ी है सारी रंडे पांड्या की, और इबू ने के बेरा अगले डीजा के कितना दुख सर कितना नहीं है, अब छोटे छोटे बच्चा ने लेके हम रात नाटे गाल में खड़े हैं, कड़ जावा हर तड़के उन्होंने दे के चले गए, तड़के 10 बजे हम आ लेंगे, अब बताओ हम 2 बजे के ऐसे बैठे हैं बच्चा ने ली। महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की शासनकाल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, उस दौरान इनको कहा गया था कि आप मकान में रह सकते हैं जिनका मकान है, क्या मामला क्या कहा था बताओ? उन्होंने ये कहा था कि जिस घर में चूल्हा जल रहा है उनको उस घर को नहीं तोड़ा जाएगा, जिस घर में चूल्हा जल रहा है उन मकान को नहीं तोड़ा जाएगा, ये हुड्डा सरकार में कहा गया था, लेकिन बीजेपी की सरकार है, अब इनको नोटिस मिल चुके हैं, चूल्हा जल रहा है चिक कुछ हो लेकिन आपने मकान खाली करने हैं, बुलडोजर चला जाना है और इस मकान को खाली करके निकलना हुआ, जेजेपी के भी प्रधान यहाँ पहुंचे हुए हैं, जेजेपी के प्रधान कपिल शर्मा जी हैं शहरी के, उनसे बातचीत करेंगे। कपिल जी आपकी सरकार है इनको उजाड़ा जा रहा है। देखिए ललित जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जैसे कि है ना मेरे को अभी पता चला था, पहले मेरे को नोटिस के बारे में कोई किसी ने बताया नहीं था, लेकिन मैं अब यही कहूँगा
अगर इनको मुआवजा ही नहीं मिला है तो ये बहुत गलत हो रहा है। मान लो हुड्डा साहब ने इनको प्लाट जब दे दिए थे, जब इनको आश्वासन दिया था भाई तुम यही रहोगे, तब मतलब सरकार तो आती जाती रहेंगी, आज भाई बीजेपी है कल को कांग्रेस आएगी कभी कोई आएगी, तो इन लोगों का क्या कसूर है? तो इन लोगों को ये सजा नहीं मिलनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। या तो भाई इनका कुछ ना कुछ, या तो प्लाट के बदले प्लाट मिला जाए, और भाई गरीब आदमी है, अब सेक्टर वाले तो रुपये दे के केस चंडीगढ़ कर ले हैं वो जीत जाते हैं, लेकिन ये गरीब आदमी इनका जो आपकी सरकार मुआवजा दे रही है इनको 250 रुपये, 250 रुपये बता दे रहा है, 240 रुपये कुछ 250 रुपये। भाव जी मैं तो यही कह रहा हूँ, मेरी बात तो इसमें तो एक सीमेंट का कट्टा भी नहीं आता, एक कट्टा भी नहीं आता जी, 250 रुपये में होता क्या है? आज यहाँ पर अगर हमें कलेक्टर रेट भी देखे तो कम से कम 5-7 हज़ार रुपये का होगा, 8-8 हज़ार रुपये का, तो कम से कम वो ही मिलना चाहिए इनको, तो 250 रुपये में क्या आता है? गांव में भी जगह नहीं है, वहाँ भी महंगी है। तो इसके बारे में आप अपनी सरकार के नुमाइंदे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बाद पूछाओगे? देखिए जी मैं अभी है ना, मैंने नोटिस का इनका फोटो खींच लिया और अभी मैं डिप्टी साहब को व्हाट्सएप पे तुरंत भेजूंगा इसको, इसलिए मैंने फोटो लिया है, और कल मैं एसडीएम साहब से भी एक बार मुलाकात करूंगा भाई ये मामला क्या है, और अपने इलाहाबादी जी से सबसे मैं पता करूंगा, जितनी मेरी उसमें सहयोग होगा मैं बिल्कुल करूंगा। इनका कहना है कांग्रेस सरकार में हम ठाट से रहा करते, बीजेपी जेजेपी सरकार आई तो हमें नोटिस मिलने लगे हैं। देखिए जी ये तो सरकारों का काम है, अब कांग्रेस में क्या था बीजेपी में क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन ये सारे हमारा परिवार है, इनकी आवाज़ मैं उठाऊंगा जी। कल बीजेपी के नेता कपिल शर्मा जो शहरी प्रधान है ने साफ तौर पर कहा कि मुझे अभी पता चला है, लेकिन इनको नोटिस आते हुए कई दिन हो गए हैं और लोग तंग हो चुके हैं, इनके साफ तौर पर कहना है कि 250 रुपये गज के हिसाब से हमें मुआवजा दिया जा रहा है प्रति गज, 250 रुपये में सीमेंट का कट्टा नहीं आता, मजदूरी करने वाला मजदूर नहीं मिलता, और 250 रुपये में ये जमीन कहाँ लेंगे गज के हिसाब से? आसी शहर में तो कहीं आसपास 250 रुपये गज के हिसाब से मिलने वाली नहीं है, और लेकिन इवन के जो मकान है उन पर बुलडोजर चलेगा, इनको फारिग किया जाएगा, कल आ जाएंगे तो बुलडोजर लेके आज धमकी दे गए बच्चों को घर पे, हम तो मकान कौन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा पॉलिटिकल न्यूज। अपनी क्षेत्र की खबरों के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।